आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखें और सीखें द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे आप लेडीज कार्डिगन बेबी फ्रॉक के नीचे बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जितने मेरे यूट्यूब में फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे चैनल को देख रहा है या देख रही हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही घंटी आएगी उसे भी एक दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन डालने के लिए आपको 10 के मल्टीप्लाई में फंदे डालने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। तो चलिए इस सिलाई पे मैं अपने हिसाब से फंदे डाल रही हूँ, आपको जितनी ज़रूरत है उतने डाल लें। मैं यहाँ 52 फंदे डाल रही हूँ, तो देखिए कैसे डालेंगे। पहले इस पे गांठ लगा लेंगे और दोनों सिलाई को एक साथ लेंगे हम इस तरह से, और इस फंदे को हम डालने के लिए हल्का ढीला ही रखेंगे, इसीलिए ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे फंदे को। हम इस तरह से लेंगे, इसी तरह से करते हुए मैं 50 फंदे बना लूँगी। तो चलिए इसी तरह से हमें फंदे डाल लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए मैंने इस सिलाई पे 52 फंदे डाले हैं, 2 फंदा एक्स्ट्रा और 50 फंदे हम अपने सिलाई के हिसाब से डालेंगे। तो एक सिलाई हम इसमें से खोल देंगे इस तरह से, अब देखिए इसे क्या करना है हमें। देखिए फंदे इतने ढीले हो जाने चाहिए। पहली सिलाई डिजाइन शुरू, पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से, और ये जो धागा है पीछे की ओर ले जाएंगे और एक फंदा को हम पहले सीधा बुनेंगे इस तरह से, और उसको वापस इसी सिलाई पे चढ़ा देंगे जिसमें हमारे सारे फंदे हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से 9 फंदे इसके ऊपर से उतारेंगे हम इस तरह से। सारे फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और ये 9। देखिए ये इस तरह से बन गई। वापस ये जो सिलाई हमने पहले बुना हुआ था वापस अब इसमें इस तरह से चढ़ा लेंगे। अब एक सिलाई फिर हम बुनेंगे इसमें, देखिए एक फंदा, सॉरी एक सिलाई नहीं, एक फंदा बुनेंगे इस तरह से, हम सीधा बुन लिया। वापस से फिर हम इसमें चढ़ा देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर से फिर 9 फंदे हम इस तरह से गिराएंगे, देखिए एक फंदा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी 9 फंदे हमें इसमें से गिरा देने हैं, और ये जो फंदा है वापस से इसी में चढ़ा लेंगे। अब देखिए फिर एक फंदा हम फिर से बुनेंगे इस तरह से, और वापस से फिर इस नीडल पे चढ़ा देंगे इस तरह से। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। अब इसके ऊपर से 9 फंदे हमें पार करने इस तरह से गिराने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, और ये जो नीडल पे फंदा है जिसके ऊपर से हमने पार किया इसको हम इस पे चढ़ा लेंगे। इसी तरह से हम जितने भी फंदे हैं मैं सभी को बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है।
देखिए इस तरह से हमने सारे फंदों को इस तरह से बुन लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इधर से हम उल्टा बुनेंगे। ये धागा पकड़ा हमें, ये इस तरह से उल्टा बुनाई पहला फंदा को। अब देखिए इसके बीच में आप जितने भी फंदे आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ बना रही हैं आप, या फ्रॉक बना रही हैं या कार्डिगन बना रही है, उसके हिसाब से आप इसके बीच में फंदे डालें। इस तरह से मैं डालूँगी एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, उसके बाद ये अगले वाले फंदों को हम सीधा बना लेंगे। इसका इस तरह से सीधा बनाएंगे, सॉरी सीधा नहीं उल्टा बनाना है। फिर इसके बीच में देखिए तीन फंदे हम और ऐड कर देंगे, एक दो दो और ये तीन। फिर ये अगले वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर देखिए इसी तरह से हम करेंगे, एक दो तीन, उसके बाद अगले वाले को उल्टा बुन लेंगे। फिर इसी तरह से करेंगे, एक दो और ये तीन, फिर इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर इसके बीच में फिर डालेंगे तीन फंदे, एक दो तीन, अगले वाले को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के आ जाएगी। नीचे देखिए घुमावदार डिज़ाइन लगेगी नीचे, बहुत ही खूबसूरत सा। और यहाँ से आप फिर आप जैसे सिलाई करती हैं सीधा उल्टा जो भी हो, उसके बाद अलग से आप यहाँ से बॉर्डर भी डाल सकते हैं सीधी उल्टी की, जो आपकी मर्ज़ी। लेकिन नीचे का जो आपका ये लेयर इस तरह से घुमावदार दिखेगा। तो चलिए बनाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपका। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और वीडियो का एक लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।